हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत बेहतर प्रॉफिट होने वाला है। शेयर का नाम आपने देख लिया होगा, हिंदुस्तान कॉपर। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है, देखिए इसकी वजह है इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। इन्होंने रिजल्ट जो पेश किए हैं अपने क्वार्टर वन के, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार पेश किए हैं, जो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको और सोने पर सुहागा ये बता दूं कि जब किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएँ या कोई न्यूज़ अच्छी आती है तो उस शेयर के अंदर और साथ में साथ गिरावट पर मिले आपको शेयर, तो आपको शेयर में बहुत बेहतरीन मौका मिलता है ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन सिर्फ मेरे कहने से ख़रीदारी ना करें, पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। देखिए, आज ये शेयर मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, जो 0.13% की गिरावट, 40 पैसे की गिरावट हुई है। तो चलिए सबसे पहले आपको उसके क्वार्टर रिजल्ट दिखाता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट कुछ इस तरह है इनके। हिंदुस्तान कॉपर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट राइजेस 139.85% इन द जून 2024 क्वार्टर। तो देखिए, इन्होंने कितने बेहतरीन अपने रिजल्ट पेश किए हैं। सेल्स राइजेस 33.07%, सेल्स के अंदर ही बहुत अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि की है इन्होंने 493.60 करोड़ की सेल्स की है इन्होंने। नेट प्रॉफिट देखें तो कितना क्या है इन्होंने, 113.40 करोड़, जो कि 139.85% हैं सेम क्वार्टर जो 2023 का था, उसमें 47.28 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिट किए थे, उसके मुकाबले पे 113.40 करोड़ के प्रॉफिट किए हैं, जो कि 139.85% ज़्यादा है। तो देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो इस शेयर के अंदर मामूली गिरावट आपको देखने के लिए मिली, और इस चीज़ को मैं बहुत बेहतर समझता हूँ। न्यूज़ अच्छी आए, रिजल्ट अच्छे आए, उसके बावजूद शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिले तो शेयर के अंदर मुझे बहुत अच्छा मौका लगता है ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच है, आप चाहते हैं ख़रीदना या सेल करना तो पहले खुद का रिसर्च ज़रूर कर लें। मैं आपको सिर्फ न्यूज़ बताता हूँ, मेरा काम न्यूज़ बताना है। चलिए इसका आपको बाकी डिटेल बताता हूँ, बाकी डिटेल क्या है। अभी आज इसका चार्ट देखें आप, तो देखिए चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको उठा पटक देखने के लिए मिली है। कभी शेयर ऊपर गया है, कभी नीचे आया है। यहाँ देख सकते हैं, एक साथ टॉप लगाया, उसके बाद रूल डाउन गया, फिर टॉप लगाया, ये देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो अडानी शेयर को लेकर और सेबी चेयरमैन को लेकर उन्होंने रिपोर्ट अपनी जारी की है। उसके कारण मार्केट के अंदर आज कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी देखने की नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास पहले ही मालूम हो जाता है कि इसके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, तो पहले ही अपनी पोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हो सकता है मार्केट के माउंड माहौल के चक्कर में आज किसी ने रिस्क ना लिया हो। अब इसके बावन वीक हाई और लो देखें तो देखिए, लो नो का बावन वीक का 135.10 रुपये का है, वहीं हाई देखें तो 415.80 रुपये का इसका बावन वीक का हाई है। अब शेयर इस टाइम कारोबार कर रहा है 398 से 305 के बीच में, जो कि 415 से बहुत नीचे गिर चुका है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है इसके अंदर अब ख़रीदारी के मौके बन रहे हों, लेकिन मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप इसको ख़रीदें। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो लाजवाब है। प्रमोटर की हिस्सेदारी इसके अंदर 66.14% की है, बहुत बढ़िया। रिटेलर के पास भी इसके अंदर 21.30% की हिस्सेदारी है, ये भी बहुत अच्छी है। रिटेलर खास करके अच्छी कंपनियों में पैसा कम लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। वहीं डोमेस्टिक वालों की देखें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर 7.23% की बना रखी है। फॉरेन वालों ने भी इसके अंदर अपनी 3.22% की हिस्सेदारी बनाई हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी 2.11% की रखी हुई है इसके अंदर। तो देखिए, शेयर होल्डिंग बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे आए हैं क्वार्टरली, सब कुछ बेहतर देखने के लिए मिल रहा है। मेरे हिसाब से कल शेयर के अंदर हो सकता है गैप अप देखने के लिए मिले, और गैप अप बड़ा दिखाता है शेयर, तो ख़रीदारी करने की कोशिश ना करें, दूर रहें, गिरावट पर ही ख़रीदें। गैप अप होने के बाद में जब शेयर डाउन हो तब ख़रीदने की कोशिश करें, वरना इसको चेस ना करें। शेयर ना गिरे नीचे तो उसके पीछे ना भागें, अच्छा खासा इसके अंदर
शेयर का प्राइस ऊपर जा चुका है और हो सकता है ऐसे टाइम पर ही प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो आप सोच समझ कर काम करें। मैंने आपको जो न्यूज़ बताई वो न्यूज़ कैसी लगी, जितनी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ वो कैसी लगती हैं, आपको क्लिक करने में क्या जाता है, लाइक कर दिया करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अपने रिटेलर भाई को ऐसे शेयर बताने की जिसके अंदर आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। पिछली जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने, उन तमाम वीडियो के जितने भी शेयर बताए हैं, उन तमाम शेयरों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा अगर आपने काम किया है मेरी बताई हुई वीडियो को देख कर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।